हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल वंस अगेन। और आज है मेरा लास्ट दिन ससुराल का और यहाँ पे है मेरी मदर इन लॉ। मम्मी, आपको कैसा लग रहा है हम लोग जा रहे हैं? बहुत ख़राब लग रहा है। ये बुड्ढे की तो बहुत याद आएगी। अनिरुद्ध जो है हमको माजी कहता है और जब ऊपर जाता है तो वहाँ से जाल से कहेगा मम्मी मम्मी गोदी ले लो गोदी ले लो। और जब गुस्सा हो जाएगा पता नहीं क्या करेगा, आके कपड़े बटके काट लेगा। और इसने तो मेरे एक कुर्ते में पहले बीच में छेद किया, उसको मैंने सिला, फिर उसने नीचे से ऐसा फाड़ा कि तो बिल्कुल पहनने वाला नहीं रहा। मम्मी वो चाहता नहीं है वो कुर्ता पहनो अब। अच्छा अच्छा तो उसको डिस्कार्ड कर दिया मैंने तो बताओ। और जब इसका मन करेगा तो आके खूब पुच्छी लेगा खूब पुच्छी लेगा और पुच्छी लेते लेते काट जाता है। पता ही नहीं चलता है कब पुच्छी लेगा कब काट लिया कब हाथ में काट लिया कब पैर में काट लिया और कब गुस्सा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और जब मन होगा तो आके पैर छुएगा और खूब प्यार करेगा। मम्मी आपको गोविंद की याद आएगी और हम मेरी याद आएगी, किसकी याद आएगी आपको? हमें दोनों की याद आएगी। और बहुत ही बुरा लगेगा, अब घर में हम लोग अकेले हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। जब तुम लोग अभी आया तो हमें पहले से बड़ी थी कि रौनक रहेगी घर में, सब सामान इधर उधर मिलता था। और इसकी एक्टिविटीज़ भी बिल्कुल अंशुल की तरह, मिनी अंशुल है ये तो। वो भी प्लग सारे प्लग पॉइंट्स को जो है सारे बटन ऑन कर देगा, पंखे बिजली के मोबाइल का चार्जर जो है वो अपने वो लेगा छीन लेगा हमसे। और मोबाइल बहुत झक करता है मम्मी की, तो मतलब मम्मी के पास तो सामान रहने ही नहीं देता और प्यार भी बहुत करता है। और प्यार करते करते कब बुटकी काट ले वो पता भी नहीं चलेगा। और आप जब पूछती हो कि माँ जी कैसी है, हमेशा बोलेगा गंदी है गंदी गंदी। दादू कैसे हैं गंदे। और दादू का तो नाम लेता है सीधा, दादू तो इसने कभी नहीं बोला भाई। इसका दादू का नाम तो इनके मम्मी पापा ही ने सिखाया है। हमने तो नाम सिखाया, हमने तो आपका भी सिखाया, लेकिन आपको तो माँ जी बोलता है। और दादू को तो कभी इसने दादू नहीं बोला, हमेशा पापा का नाम लेके बोलता है। और गंदे है गंदे है, माँ जी गंदी है और बाकी सब लोगों को अच्छा कहता है। अच्छा मम्मी, अब आप बताओ, सबके सामने बोलो, अब आप आओगी हमसे मिलने वहाँ पर? हाँ हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं आएंगे, जब बच्चे वहाँ रहते हैं तो आएंगे ही आएंगे। अब देख लो आपने बोल दिया है, अब आप मुकर नहीं सकती हो। नहीं नहीं आएंगे आएंगे। कब आओगी? अरे अब 2 महीने बाद मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा 30 नवंबर को, देन उसके बाद प्लान करेंगे। अब ज्यादा ठंड में तो हमारे तो आर्थराइटिस की वजह से नहीं, ठंड में नहीं, अप्रैल में इज द बेस्ट टाइम शिकागो में आने का, तो तब प्लान करेंगे। तो आपने अब सबको बोल दिया है, अब आपको आना पड़ेगा। यस यस। तो बस हम लोग निकल चुके हैं घर से और आप देख ही सकते हो मम्मी पापा बहुत इमोशनल हो गए थे। और ये इमोशनल मोमेंट होता ही है, कहते ही है ना गुड बाइज आर वेरी डिफिकल्ट टू से। तो बस गुड बाय करके निकल गए हैं। और बाहर रहने वालों के लिए थोड़ा सा गुड बाय करना और भी ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि हमें पता नहीं होता नेक्स्ट अब हम कब मिलेंगे। अगर इंडिया में ही रहें तो फिर भी मुलाकात हो ही जाती है साल में 2-3 बार, बट बाहर से तो हर साल भी मुलाकात नहीं हो पाती है क्योंकि हर साल पेरेंट्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है इतनी दूर ट्रैवल करना। और हम लोग भी अपने कामों में और हर चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हर साल आना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और बस पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। मेरे कज़न ब्रदर आया था मुझे पिक करने और वो मुझे ड्रॉप करेगा स्टेशन पे। और शताब्दी से मैं जाने वाली हूँ दिल्ली और देखिए ट्रेन चल पड़ी है। तो हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन निकल गई है लखनऊ से। और शताब्दी में आने का बेस्ट पार्ट ये होता है कि यहाँ पे ना रिफ्रेशमेंट्स और फूड बहुत अच्छा मिलता है। तो ये देखिए ट्रेन में बैठते ही आई है सबसे पहले पानी की बॉटल और मसाला चाट। और गोविंद को मैंने थोड़े से डोरिटोस दिए हैं खाने के लिए अभी, क्योंकि आज उसने लंच नहीं किया था। 11:30 के अराउंड उसे ब्रेकफास्ट ही कराया था मैंने, तो बस अभी वो थोड़े से डोरिटोस खा रहा है। और उसे भी बहुत बुरा लग रहा है अपनी माजी होम से निकल के, क्योंकि उसकी भी अटैचमेंट हो गई है अपने दादाजी के साथ, अपनी माजी के साथ। उसने बड़ेपन में तो पहली बार देखा है अपने दादाजी को माजी को,
क्योंकि जब लास्ट टाइम वो आया था तो सिर्फ 7 मंथ्स का था, तो 7 मंथ्स के बच्चे को तो कुछ पता भी नहीं होता कि उसे कहाँ लेके जा रहे हैं, किससे मिलवा रहे हैं। तो इस बार उससे अटैचमेंट फील हो रही है लोगों से, तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। हेलो एवरीवन, अभी शाम का 5 बजे है और मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हम लोग शाम को इस टाइम पे घर के बाहर पैटियो में बैठ के बहुत गपशप करते थे, और 3-4 दिन से था ना मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था, बारिश हो रही थी तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, और मम्मी और मैं एंडलेस बातें करते रहते थे। पता नहीं कितनी इधर उधर की बातें, मम्मी के कॉलेज डेज की बातें, फिर मेरे रिश्ते की बातें, और वो सब पता नहीं हम क्या क्या डिस्कस करते थे। तो मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एक्चुअली पापा के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन मम्मी ने तो ऑफ लिया हुआ था कम्प्लीटली, तो मम्मी बहुत ही कम ऑफिस गई हैं। जब मैं गई थी तो शायद 1 या 2 दिन मम्मी कभी ऑफिस गई हैं, और एक दिन तो हम भी चले गए थे उनके साथ ऑफिस। बट यस, निकलना तो था ही, दिन तो आना ही है वापस जाने का। अभी एक्चुअली इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा क्योंकि स्टिल हम फैमिली के बीच में ही जाने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं। बट जब दिल्ली से निकलूँगी ना मैं शिकागो के लिए, तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर ऐसा होता है ना कि पता नहीं होता कि साल बाद आओ, 2 साल बाद आओ, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अपने घर को छोड़ते हुए। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी वीडियो बनाते बनाते। बट एनी वेज, अभी इवनिंग स्नैक्स में आया है ये कैरामल पॉपकॉर्न्स, ये आलमंड्स का एक पैकेट आया है, और ये गर्मा गर्म समोसा जी, और ये सैंडविच आई है, और आई है चाय साथ में, और ये देखिए ये मिल्की बार की टॉफीज आई हैं। बचपन में मैं बहुत खाया करती थी ये वाली टॉफी, मुझे बहुत पसंद है। और अभी गोविंद सो रहा था जब ये स्नैक्स आए थे, इवनिंग स्नैक्स, तो गोविंद के लिए मैंने चाय ले ली थी बाद में, और उसे मैं ये चाय बिस्किट खिला रही हूँ अभी। वो ये सब कुछ स्नैक्स वगैरह जो ट्रेन में आते हैं वो नहीं खाता, तो उसके लिए मैं हमेशा घर से पार्ले जी का पैक लेकर चलती हूँ, चाय के साथ पार्ले जी खिलाती हूँ उसको। तो अभी हम लोग निकले हैं टूंडला जंक्शन से, एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है टूंडला, वहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी भी थी, और बस अभी हम निकले हैं। और ये ट्रेन पहुँचती है दिल्ली बाय 10:15, तो वहाँ पे दोनों भाई मेरे आएंगे हमें रिसीव करने। मेरा छोटा भाई अगेन आया हुआ है मुझसे मिलने, वो 2-3 दिन के लिए आया है, शायद 2 या 3 अक्टूबर को वापस चला जाएगा। तो जाने से पहले उसे ये था कि एक बार गोविंद से फिर से मिल ले, मुझसे मिल ले, तो फिर से वो आया है हैदराबाद से, तो आज हमें रिसीव करेगा। और खाते पीते इस तरीके से जर्नी करते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है। बट फिर से मैं बोलूँगी कि मैं घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे मम्मी की याद आ रही है, क्योंकि ना सारा दिन मम्मी के साथ बीता था, तो एक हर एक टाइम स्टैम्प पे मुझे याद आ रहा है कि अभी मम्मी और मैं ये कर रहे होते थे, अभी मम्मी और मैं ये कर रहे होते थे। और हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने होम मेकिंग एक्चुअली मम्मी से सीखी है। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं आता था, तो जब मम्मी गोविंद के होने पे आई थी, 1 महीना मेरे साथ रुकी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि घर को किस तरीके से रखा जाता है, कैसे फास्ट कुकिंग कर सकते हो, कैसे मील प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि मम्मी भी वर्किंग है तो वो बहुत मील प्लानिंग करती हैं, और उनका काम अहेड ऑफ टाइम चलता रहता है। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है होम मेकिंग में, जो मैं आप लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू शेयर करती हूँ। सो वही कहते हैं ना कि चाहे आपकी माँ हो चाहे आपकी सास हो, दोनों ही माँ होती हैं, और दोनों से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस बार मैं मम्मी की कोई रेसिपी आप लोगों के साथ एज सच शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि थोड़े दिन के लिए आई थी, बस मैंने सोचा कि मम्मी के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करूँ, बैठूँ पापा मम्मी के साथ। मैं खूब देर बैठी, खूब बातें की, तो बस इसी में ही टाइम निकल गया लखनऊ का। तो और अब 15-17 दिन और बचे हैं इस ट्रिप के, और 7th को है गोविंद का बर्थडे, 7 अक्टूबर को। तो बस बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद तो मुझे लगता है कि मेरी फुल फ्लेज्ड पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन आई विल बी ऑफ टू शिकागो। और ये आता है डिनर ट्रेन में, बहुत ही अच्छा डिनर मिलता है, थोड़ा सा स्पाइसी मुझे लग रहा था, मुझे नहीं पता मुझे आजकल स्पाइसी क्यों लगता है इंडिया का खाना, या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस लोग डालते हैं, या फिर मैं बहुत कम स्पाइसेस खाती हूँ। तो खाना तो अच्छा था टेस्ट में, बस थोड़ा सा स्पाइसी था। गोविंद की तो इस टाइम तक तबीयत ठीक नहीं थी, उसने बीच में एक बार वॉमिटिंग कर दी थी, तो उसने खाना भी नहीं खाया, ये सब खाना मैंने ही थोड़ा थोड़ा बस खाया था, और लास्ट में आइसक्रीम भी आई थी तो वो भी नहीं ली। और बस इसी तरीके से खाते पीते पहुँचे हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पे मेरे दोनों भाई आए थे हमें रिसीव करने। और भैया भी पूछ रहे थे गोविंद के नोज़ पे ये निशान सा कैसा हो गया, एक्चुअली से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उसके पूरे फेस पे छोटे छोटे घाव हो गए हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा अगली सा लग रहा है। बट अभी वो थोड़ा सा मेडिकेशन पे है, तो 2-4 दिन में ठीक ही हो जाएगा।
और अब हम लोग निकले हैं घर के लिए। और पहुंच गए हैं हम लोग घर, और गोविंद की फिर से मस्ती शुरू हो गई है नानी नाना के घर पर। और अभी मेरी भाभी भी अपने मायके गई हुई है, तो वो भी कल सुबह सुबह आ जाएंगी मेरे भतीजे को लेके, तो इनकी फुल फ्लेज्ड मस्ती फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और बस कुछ ही दिन की मस्ती है, उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। होप करती हूँ आपने ये व्लॉग इंजॉय किया होगा। अगर इंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।